भाई तू क्या ड्राइंग में आता है, तो ये सब इंस्टाग्राम पे डाल तेरे 1 मिलियन ही हो जाएंगे। अच्छा सच्ची? हाँ भाई झूठ तो ना बोलूंगा तेरे से। मेरे अभी तक 1000 भी नहीं हुआ, करा दो यार। एंड आई नो कि 1 मिलियन लोगों को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंस्टा पे बस 7500 किलोमीटर, जाके चेक कर सकते हो। पर शुरू शुरू में मैं सबको फॉलो कर देता था, क्योंकि एक तो सबकी लाइफस्टाइल हीरो हीरोइन जैसी लगती है, ऊपर से नींबू संतरे की शक्ल के लोग मुंह पे फिल्टर लगा के रसगुल्ले बन जाते हैं। एंड आई नो कि इंस्टाग्राम पे सब ऐसे नहीं होते, यहाँ तुम्हें हर प्रकार के लोग मिलेंगे, मोटे लंबे छोटे बच्चे, छोटे बच्चों से बात करने वाले। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। और भी भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम मिलेंगे तुम्हें यहाँ, जैसे नल्ले बेरोजगार कुत्ते, नहीं गाली नहीं दे रहा हूँ, कुत्तों के भी अकाउंट है यहाँ, कुत्तों के। मैं इंस्टाग्राम पे 2015 में आया हूँ एंड लूसी इज एक्टिव सिंस 2010। और ये कैसे इंसान है जो इन बेजुबान बेचारे जानवरों की क्यूटनेस का फायदा उठा के फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। मुझे भी बढ़वाना है, मेरा मतलब इन जानवरों से भी पूछो कि इन्हें इंस्टा पे आना भी है कि नहीं। चुपचाप मेरा अकाउंट प्राइवेट करो यार, जब देखो मेरी बुन डाल देते हो रील्स में, कल को वो जर्मन लोग भी हंस रहे थे मेरे ऊपर। अरे अपना बूबू तो पूरा टिकटॉकर बन गया। और हर चीज पोस्ट क्यों कर देती हो? अरे कहाँ। अच्छा कल तुमने मेरी टट्टी पोस्ट कर दी थी। तुमने टट्टी पापा के सर पे की थी। अरे वो तो इसीलिए क्योंकि मुझे लगा था घास जल गई है। जल गई है? बेचारे के बाल आ रहे थे, अब फिर से टकले हो रहे हैं। अगर शालू पहले ही अपने कुत्ते को, कुत्ता नहीं बूबू, हाँ बूबू को पॉटी ट्रेन करती तो शायद ये अंजाम नहीं होता। उसकी एक टट्टी गलती ने 2 मासूमों को मीम बना दिया। क्या बूबू और उसके पापा का रिश्ता? एक मिनट, तेरी स्क्रिप्ट नॉट योर टाइप जैसी की लग रही है। अबे तुम लोग ही तो बोलते थे कि नॉट योर टाइप जैसी वीडियो बनाओ। हाँ बट तेरे से बन नहीं रही ना यार। ये इंस्टा के कमेंट्स और मैसेज पे कभी ध्यान ही नहीं देना चाहिए, इनके पास कोई काम ही नहीं है, पूरे दिन या तो कुछ बाइकॉट करते रहेंगे या डोनेशन मांगते रहेंगे। हेलो गाइज, मैं हूँ डोरा और आज मैं आई हूँ आप सबसे डोनेशन मांगने अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए, क्योंकि मैं अंधी हूँ ना। विश्वास नहीं हो रहा ना? क्या आपको वो छोटा पहाड़ दिख रहा है? कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या आपको वो ब्रिज दिख रहा है? कहाँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्या आपको वो नशेड़ी बंदर दिख रहा है? क्या आपको वो रोंदू बंदर दिख रहा है? हमने किया। ये डोनेशन वाले बहुत खतरनाक हैं, पर इनसे भी खतरनाक एक चीज है इंस्टा पे जो तुम ना ही जानो तो अच्छा है, वो है इंस्टा बीटा वर्जन। मतलब ना तुम मैसेज कर सकते हो, ना स्टोरी देख सकते हो, हर समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहता है। वो अपडेट नहीं किया, मतलब बिना अपडेट के तुम्हारी लाइफ हेल हो जाएगी। हो क्यों नीरा? लाइट भी चली गई, आज तो लाइट भी 6 बजे तक आएगी, अपडेट कैसे करूंगा? टाइम क्या हुआ ऐसे? एक तो समय खराब चल रहा है, ऊपर से घड़ी भी खराब हुई, लगता है न्यू वॉच लेनी पड़ेगी। एनीवे, और इन्हीं सब ग्लिचेस की वजह से इंस्टा चलाना बहुत इरिटेटिंग हो गया। अच्छा है मेरे मम्मी पापा फेसबुक पे हैं, वरना इंस्टा उनको समझाना बहुत मुश्किल होता। और एक तो इंस्टा को सब कुछ बनना होता है, कभी मैसेंजर बन रहा है, कभी फेसबुक बन रहा है, कभी स्नैपचैट बनना है इसे, कभी यूट्यूब बन रहा है, और अब तो टिकटॉक भी बन गया। अबे यार रील्स होता है, देखो जैसे नूडल्स मैगी होता है, फोटोकॉपी जेरोक्स होता है, वैसे ही रील्स बोलो या शॉर्ट, मेरे लिए तो टिकटॉक ही है। सुन के ही पता चलता है कि अंदर मुंह से कोई पानी थूक रहा होगा। म्यूजिकली कितना अच्छा नाम था, सुन के ही ऑर्गेज्म आ जाता था। फिर भले ही अंदर कोई अपनी टट्टी की व्लॉगिंग कर रहा हूँ। हेलो गाइस, हम संडास करने आए थे इस गन्ने में, आगे लाइक करो, फॉलो करो। और रील्स पे इतने सारे ट्रेंड्स आते हैं रोज रोज, कभी कोई गाड़ी के सामने नाच रहा है, कभी कोई लाल रूम में नाच रहा है, और कभी कभी तो कोई शायरी पे ही नाच रहा है। तो किसी महान शायर ने कहा है, जी 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 अर्ज है, दिल तूने मेरा ऐसा तोड़ा जैसे कील पे मारी हथौड़ी। दिल तूने मेरा ऐसा तोड़ा जैसे कील पे मारी हथौड़ी, अब वापस क्यों आई है, चल हट। वैसे काफी चच्ची शायरी थी। हाँ तो इनका डांस भी टट्टी जैसा ही था, और अगर डांस नहीं आता तो ये करते हैं, आज मैं करूंगा अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज। हे बेस्टी, सो मुझे तुमसे एक बात करनी थी, यू नो आई हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड आई वांट यू टू बी माय गर्लफ्रेंड। यू नो व्हाट, आई एम नॉट देयर येट इन माय लाइफ एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, सो एंड यू आर सच अ गुड पर्सन, यू डिजर्व सो मच बेटर। मुझे पता था कि ये कुछ ऐसे ही कहेगी, इसलिए आई वॉज प्रिपेयर्ड।
यू नो आई एम काइंड ऑफ अ बैड बॉय और शुड आई से बैड मुंडा. ओह यू नो व्हाट यू डिजर्व बेटर एंड सिंस आई एम बेटर सो यू डिजर्व मी राइट. बाय द वे हाउ डिड यू नो कि आई लाइक बैड बॉयज. सिंपल बिकॉज आई फॉलो वर्जिन मोहित हूं. आप भी करें. और इतने फालतू ट्रेंड्स के बाद भी इंस्टा लोग यूज करते हैं और करना भी चाहिए. मैं किसी को मना नहीं कर रहा पर कोशिश करो कि इंस्टा पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो. हाँ चलो वीडियो खत्म हो गई. अब जाके थोड़ा इंस्टा पे कैट वीडियोस देख लेता हूँ. अबे इंस्टा कैट वीडियोस लगा ना. नहीं अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा. कब आएगा नेट वाला. एक तो घड़ी भी नहीं चल रही. अच्छा यू वॉन्टेड अ वॉच राइट. ये वाली कैसी है. अरे यही वॉच तो मुझे लेनी थी. तुझे कैसे पता मुझे ये वाली वॉच लेनी है. भाई बिल्ली की वीडियोस देखिया. तू रुक मैं तेरी बिल्ली मारता हूँ. अरे भाई बिल्ली क्यों मार रहा है. पीटा वाले पता नहीं. रुक भाई मत मार भाई. अनइंस्टॉल तो मत कर यार. सो वीडियो खत्म हो गई है एंड थैंक यू एवरीवन फॉर 10K सब्सक्राइबर्स. तो मैं करूंगा एक Q&A क्योंकि व्हाई नॉट. और तुम लोग इस वीडियो के कमेंट में क्वेश्चंस डाल सकते हो या मैं इंस्टाग्राम पे भी एक पोल करूंगा उस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो या मेरे को DM भी कर सकते हो. तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी शायद. एंड थैंक यू डेस्ट शो फॉर हिज वॉइस एंड जाके उसे भी फॉलो करो. और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो सब्सक्राइब करो यू नो द ड्रिल. और हम मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.